Welcome to my channel Alka Classes. Today I will explain first chapter of your book Hornbill. And first chapter name is The Portrait of a Lady. Here portrait means a handmade picture written by the writer Khushwant Singh, who was born in 1915 and died in 2014. He was Indian writer, diplomatic, journalist, politician, and he was awarded by Padma Bhushan in 1974 and Padma Vibhushan in 2007. Now I will tell you about the introduction of the chapter. In this chapter the writer describes the human relationship, कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उनके बारे में राइटर डिस्क्राइब करता है. मेनली रिलेशन बिटवीन अ ग्रैंडमदर एंड अ ग्रैंडसन इज डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर. डिफरेंस बिटवीन विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ इज आल्सो शोन इन दिस स्टोरी. विलेज लाइफ और सिटी लाइफ है उसका जो डिफरेंस है वो इस चैप्टर में दिखाया गया है. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर रिलेशंस बिकॉज Relations make our life enjoyable and happy. हमें अपने relations की केयर करनी चाहिए क्योंकि relations हैं वो हमारे लाइफ में खुशी लेके आते हैं. Students, writer Khushwant Singh draws a pen picture of his grandmother and he describes how he spent his childhood with her in the village. And he also describes the changes that came in their relationship in the city. And ultimately, he describes the moving scene of her death. So, now I will tell you about the characters of this chapter. First, grandmother. She was very loving and caring lady, very conservative. Conservative means Rudivadi. Symbol of peace. Sympathy towards animals and birds. It means she was very kind-hearted lady. Religious, धार्मिक, educated, not sentimental. Sentimental means emotional. She was not emotional. Second chapter is Khushwant Singh. Khushwant Singh, he is the leader of our chapter. He was educated and intelligent. Now I will tell you about the summary. Students, इस chapter की starting में जो leader Khushwant Singh है वो ये describe करते हैं कि जैसे कि हर किसी की ग्रैंडमदर होती है तो वैसे ही उनकी ग्रैंडमदर भी है. एंड सी वॉज एज ओल्ड एज सी कुड. हर फेस वॉज फुल ऑफ रिंकल्स. और राइटर खुशवंत सिंह है वो अपनी ग्रैंडमदर को 20 इयर्स से जानते हैं और 20 इयर्स से ऐसा लगता है कि उसकी एज रुक सी गई है क्योंकि वो 20 इयर्स से बिल्कुल ऐसी दिखा दे रही है. वो पहले भी ओल्ड थी, आज भी ओल्ड है. जितनी ओल्ड वो हो सकती है उतनी ओल्ड वो दिखाई दे रही है. अब जो नाइटर खुशवंत सिंह है वो डिस्क्राइब करते हैं कि पीपल ये कहते हैं कि उसकी जो ग्रैंडमदर थी जब वो यंग थी उस टाइम पे वो बहुत ही प्रीटी थी. और उसके जो ग्रैंडफादर है उसका एक पोर्ट्रेट उनके ड्राइंग रूम में एक फायरप्लेस है वहां पे उसके ऊपर लगा हुआ है. तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्राइब द पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ नरेटर. तो उसके जो ग्रैंडफादर है वो पोर्ट्रेट में कैसे दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने एक टर्बन है वो पहन रखी है, लूज फिटिंग क्लोथ पहन रखे हैं और उसकी बियर्ड में व्हाइट बियर्ड थी उनके. उसकी बियर्ड ने उसके चेस्ट के मोस्ट ऑफ पार्ट को कवर कर रखा है और वो ऐसे नहीं लगते कि उसके वाइफ और चिल्ड्रन होंगे. उनको देख के ऐसा लगता है कि उसके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन मिस पोते पोतियां होंगे. मिस उनकी एज है वो बहुत ज्यादा दिखती है और जहां तक उनकी ग्रैंडमदर का सवाल है वो बहुत ही यंग दिखती है. मिस दोनों की जोड़ी आपस में बहुत ज्यादा मैच नहीं कर रही है. उसकी जो ग्रैंडमदर है वो नैटर को ऐसे गेम्स के बारे में बताती है जो वो खुद एक बच्ची थी अपने चाइल्डहुड में जो अपने गेम खुद खेलती थी उन गेम के बारे में वो अपने ग्रैंडसन को मिस नैटर को बताती है. अब नैटर डिस्क्राइब करता है कि जो ग्रैंडमदर है वो कैसी है. वो हाइट में शॉर्ट फैट है और स्लाइटली बेंट थोड़ी सी मुड़ी हुई है और उसका फेस है फुल ऑफ रिंकल्स है और रिंकल्स है वो एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं जा रही है. और उसकी जो ग्रैंडमदर है
वो हर टाइम स्पोर्टलेस साड़ी पहनती है और व्हाइट साड़ी स्पोर्टलेस पहनती है, और उसकी जो ग्रैंडमदर है उसको देख के ऐसा लगता नहीं कि वो कभी प्रीटी होगी, बट सी वॉज ब्यूटीफुल। इसका मतलब क्या है कि वो फिजिकली प्रीटी नहीं थी, लेकिन वो ब्यूटीफुल कैसे थी, उसकी जो इनर ब्यूटी थी उसको यहाँ बोला गया है कि वो बहुत ही अच्छी थी, उसकी जो इनर क्वालिटीज है वो बहुत ही ग्रेट थी, इसलिए ऐसा बोला गया यहाँ पे। और उसका एक हाथ है वो हमेशा उसकी कमर पे होता था कमर का बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि उसका उसकी बॉडी है वो बैंड थी, उसके स्टूप क्या होते कुबड़ वो निकला हुआ था, और जो सेकंड हैंड है वो हर टाइम उसके हाथ में एक रोजरी क्या होती है माला वो होती है, और उसके जो बीड्स हैं उनको हमेशा वो फेरते रहती है और हर टाइम वो इनऑडिबल प्रेयर करती रहती है। और जो नायडू कुशवंत सिंह है उसके जो पेरेंट्स है वो सिटी में है, क्योंकि वो बेटर अर्निंग के लिए अपने सन को ब्राइट फ्यूचर देने के लिए वो सिटी में शिफ्ट हो गए हैं, और अपने सन मिस कुशवंत सिंह को वो अपनी मदर जो कि उनकी ग्रैंड मदर है कुशवंत सिंह की उनके पास विलेज में छोड़ के गए हैं, ताकि वो पहले अच्छे से खुद सेटल हो जाए, उसके बाद वो उनको वहां पे बुला लेंगे। अब यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया गया है वो ये है कि जो ग्रैंड मदर और नाइटर वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, वो दोनों विलेज में है और लगातार एक साथ रहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि उनका जो विलेज का रूटीन होता है वो हमें डिस्क्राइब करना है। तो विलेज में क्या होता है कि जो उसकी ग्रैंडमदर है वो सबसे पहले उसको उठाती है डेली, उसको नहलाती है, उसको स्कूल के लिए रेडी करती है, और जब वो उसको नहलाती है उस टाइम पे वो डल वॉइस में हमेशा प्रेयर गाती है, वो इस होप में प्रेयर गाती है कि उसका जो ग्रैंडसन है वो उस प्रेयर को सुनेगा और उसके अंदर जो मॉरल एटिकेट्स है वो डेवलप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो नायडू कुशवंत सिंह है वो उस प्रेयर को सुनता है बिकॉज ही लव्स हर वॉइस, लेकिन वो कभी भी उसको लर्न करने की कोशिश नहीं करता। अब ये सब करने के बाद रेडी होने के बाद वो ब्रेकफास्ट लेते हैं, और ब्रेकफास्ट में एक स्टेल चपाती, स्टेल मीन्स सॉरी, ब्रेकफास्ट में वो क्या करते हैं कि जो चपाती है उस पे वो बटर रखते हैं, उसमें शुगर डालते हैं, और उसको एज ए ब्रेकफास्ट वो करता है। और जब वो रेडी हो जाता है तो उस टाइम पे उसकी ग्रैंडमदर एक वुडन स्लेट लेके आती है, वुडन स्लेट जिसको हम तख्ती बोलते हैं, वुडन स्लेट लेके आती है जिसको वो ऑलरेडी प्लास्टर करके रखती है, और उसके साथ एक कलम मिस पेन लेके आती है, और येलो चौक लेके आती है, और इन सबको वो एक बंडल में टाई करती है और वो नायडू को हैंडओवर कर देती है। ये सब करने के बाद जब वो स्कूल के लिए जाता है तो उस टाइम पे वो दोनों अपने साथ स्टेल चपाती लेते हैं, स्टेल मिस बासी, स्टेल चपाती लेते हैं। किस लिए? क्योंकि जो विलेज डॉग है उनको खिलाने के लिए वो स्टेल चपाती अपने साथ लेते हैं, और ग्रैंडसन और ग्रैंडमदर दोनों ही निकल जाते हैं। अब यहाँ पे ग्रैंडमदर है वो उसके साथ डेली स्कूल क्यों जाती थी, ये क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो वो क्यों जाती थी? क्योंकि जो टेम्पल है वो स्कूल से अटैच था, जिस टाइम पे नायडू स्कूल में पढ़ता था उस टाइम पे जो ग्रैंडमदर है वो जो स्क्रिप्चर्स है, स्क्रिप्चर्स मीन्स होली बुक्स, उनको टेम्पल में बैठ के रीड करती थी। अब वो स्क्रिप्चर्स को रीड करती है इसका मतलब कैसी है, सी वॉज ऑब्वियसली एजुकेटेड लेडी, और जो ग्रैंडसन मीन्स कुशवंत सिंह है उस टाइम पे वो क्या करता है, वहां पे जो एजुकेशन है विलेज के स्कूल में वो एक प्रीस्ट देता है। तो ये भी क्वेश्चन बनने वाला है कि जो सिटी एजुकेशन है और उसकी विलेज एजुकेशन है उसमें क्या डिफरेंस है। तो विलेज में क्या होता है, प्रीस्ट है वो उनको एजुकेशन देता है, वो उनको गॉड के बारे में और जो स्क्रिप्चर्स है उनके बारे में एजुकेशन देता है, उनको अल्फाबेट सिखाता है, और बच्चे हैं वो बरामदा में दोनों साइड रो में बैठ जाते हैं और वो कोरस में गाते हैं। तो ये है उनकी विलेज एजुकेशन। अब जब दोनों का काम खत्म हो जाता है, कुशवंत सिंह का और उसके ग्रैंडमदर का, ग्रैंडमदर का तो स्क्रिप्चर्स को रीड करने का और उसका पढ़ने का, तो उसके बाद दोनों एक साथ घर आते हैं, और जो डॉग्स है वो फाइटिंग करते हुए उनके घर तक उनका पीछा करते हैं। क्योंकि फाइटिंग क्यों करते हैं वो डॉग्स, क्योंकि जब वापिस आते हैं उस टाइम पे
ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन उनके सामने स्टेज चपाती फेंकते हैं, जिसकी वजह से वो झगड़ते हुए उनके उनको घर तक छोड़ते हैं। मिस डॉग्स हैं वो ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन को घर तक छोड़ते हैं, मतलब ये है कहने का कि वो उनके साथ अपने घर तक वापस आते हैं। अब उसके जो पेरेंट्स हैं वो सिटी में बहुत अच्छे से सेटल हो गए हैं, तो वो ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन को सिटी में बुला लेते हैं सेटल होने के बाद। अब ये उनकी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट होता है, नरेटर और उसकी जो ग्रैंडमदर है उनकी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप। तो टर्निंग पॉइंट क्या है कि जब वो विलेज से सिटी में शिफ्ट होते हैं तो ये उनकी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि विलेज में क्या था कि जो ग्रैंडमदर है वो अपने ग्रैंडसन के साथ स्कूल में जाती थी, उसका होमवर्क पूरा करवाने में उसकी हेल्प करवाती थी, लेकिन सिटी में क्या है वो उसके साथ अब नहीं जाती क्योंकि वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है और वो मोटर बस से जाता है। और इंग्लिश स्कूल है तो ऑब्वियसली वो जब वो पूछती है कि आज क्या पढ़ाया तो बताता है कि इंग्लिश लेसन पढ़ाए हमें, इंग्लिश वर्ड बताता है वो, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज और मिस बोक वेस्टर्न साइंस ग्रेविटी, इन्हें सब के बारे में बताता है। और ये सब ग्रैंडमदर को समझ में नहीं आते तो बहुत ही सैड होती है क्योंकि वो उसके होमवर्क में उसकी हेल्प नहीं करवा पाती और साथ में वो डिस्ट्रेस होती है क्या सोच के कि जो सिटी स्कूल है वो उसकी एजुकेशन सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि वहां पे गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई भी एजुकेशन नहीं है, वहां पे ओनली इवन जो सिटी स्कूल है उसमें म्यूजिक सिखाया जाता है। अब जो ग्रैंडमदर है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो म्यूजिक है वो मोनोपोली है, किसका, हार्लोट्स। हार्लोट्स मीन्स सब्स्टिट्यूट मीन्स वैश्य एंड बैगर की जो म्यूजिक है उसका रिलेशन है वो हार्लोट और बैगर से है, जो जेंटल फोक है। जेंटल फोक मीन्स सज्जन लोग, जो जेंटल फोक है उनका म्यूजिक से कोई भी रिलेशन नहीं है। और जब नैटर ये बताता है कि हमें म्यूजिक लेसन दिया गया है तो उसके बाद जो ग्रैंडमदर है वो ग्रैंडसन से बात करना भी, वो कहती कुछ नहीं है लेकिन वो उससे बात करना कम कर देती है। अब जो ग्रैंडमदर है वो सिटी में है तो वहां पे डॉग्स भी नहीं है, तो सिटी में क्या करती है कि जो स्पैरोज है वो उसके कोर्टयार्ड में आती है उनको फीडिंग करवाती है, मीन्स वो चपाती लेती है और छोटे छोटे टुकड़े करके उनके सामने डाल देती है और स्पैरोज है वो उनके आंगन में आती है और स्पैरोज को कुछ उसके शोल्डर पे बैठती है, कुछ लेग पे, इवन कुछ तो उसके हेड पे बैठ जाती है, तो वो उन्हें जानबूझ के डांट लगाती है, लविंगली रिब्यूक करती है लेकिन उनको कभी भी दूर नहीं भगाती। और वो दोपहर में हाफ एन आवर स्पैरोज के साथ स्पेंड करती है और ये उसके डे का हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। तो ये भी क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द ग्रैंडमदर, तो दोपहर का हाफ एन आवर होता है वो उसके डे का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। इसके अलावा वो क्या करती है कि वो सनराइज टू सनसेट एक स्पाइनिंग व्हील में चरखा काटती रहती है वो, और इन ऑडिबल प्रेयर करती रहती है, मुश्किल से किसी से बात करने के लिए वो अपना व्हील छोड़ती है, अदरवाइज वो कंटिन्यू करती है, लेकिन दोपहर में स्पैरोज फीडिंग के लिए वो इस काम को रोक लेती है। अब जो नाइटर है वो यूनिवर्सिटी जा रहा है तो अब उनका जो रूम है वो अलग हो गया। अब तक क्या था, नाइटर और ग्रैंडमदर दोनों एक ही रूम में थे और अब उसका रूम है वो यूनिवर्सिटी में गया है तो उसका रूम भी सेपरेट हो गया, तो उनकी जो फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था वो भी अब टूट गया। तो उनके फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक कौन सा था, उनका जो कॉमन रूम जिसको दोनों शेयर कर रहे थे वो उनके फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था, अब वो भी स्नैप हो गया। अब जो नाइटर है वो अपनी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, अब उसे हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना है और वो भी 5 ईयर्स के लिए। तो उसको ये लगता है कि जब तक वो वापिस आएगा तो हो सकता है कि उसकी जो ग्रैंडमदर है वो इस वर्ल्ड में ना रहे, बिकॉज शी वॉज वेरी ओल्ड, उसकी एज के बारे में कुछ कह नहीं सकता। और उसे लगता है कि इस न्यूज के बाद उसकी जो ग्रैंडमदर है वो अपसेट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसकी ग्रैंडमदर अपसेट नहीं होती, वो नेक्स्ट डे उसको छोड़ने के लिए स्टेशन पे जाती है,
वो उसको हग करती है, तो नरेटर सुनता है कि वो अब भी लगातार प्रेयर कर रही है, वो उसको फोरहेड पे किस करती है और नरेटर उस किस को संभाल के रखता है ये सोच के कि ये हो सकता है कि ये उनका लास्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट हो, क्योंकि जब तक वो आएगा तो हो सकता है किसी ग्रैंडमदर है वो इस वर्ल्ड में ना रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता। 5 ईयर्स के बाद जो वापस आता है एयरपोर्ट से, तो उसकी ग्रैंडमदर उसे वही मिलती है स्टेशन पे, वो उसको लेने के लिए आई हुई है। और जब वो आता है उस दिन भी उसके हैप्पीएस्ट मोमेंट थे स्पैरोज के साथ, वो उसके साथ थे, ग्रैंडमदर के साथ थे। अब इवनिंग में उसके अंदर एक चेंज आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि द ओल्ड वे इन विच द ऑथर ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड, तो जो ओल्ड बिहेव होता है ग्रैंडमदर का वो क्या होता है कि इवनिंग टाइम पे वो प्रेयर नहीं करती, बदले में क्या करती है कि जो नेबरहुड की वुमेन है उनको गैदर करती है, उनको इकट्ठा करती है, एक ड्रम अरेंज करती है और होमकमिंग वॉरियर सॉन्ग गाती है। कोई योद्धा घर आता है जीतकर, तो उस खुशी में जो सॉन्ग गाए जाते हैं वो डायरेक्टर के आने की खुशी में होमकमिंग जो वॉरियर सॉन्ग है वो गाती है। फैमिली मेंबर्स हैं वो उनको इतना हार्ड वर्क करने के लिए मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानती। तो ये उसके डेथ से पहले उसके अंदर चेंजमेंट होता है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो बीमार हो जाती है, तो डॉक्टर कहता है कि इट इज अ माइल्ड फीवर एंड इट वुड गो, हल्का सा फीवर है उतर जाएगा। लेकिन जो ग्रैंडमदर है उसको पता है कि उसका एंड है बहुत ही नियर है। अब वो एक मिनट भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए वो अपने रोजरी के जो बीट्स है उनको टैलिंग उनको फेरना शुरू कर देती है, मीन्स वो प्रेयर करना शुरू कर देती है। और इससे पहले किसी को डाउट हो उसके जो लिप्स है वो रुक जाते हैं, उसके लाइफलेस फिंगर से रोजरी है वो नीचे गिर जाती है। इसका मतलब नाउ सी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, सी वॉज डाइड नाउ। अब फैमिली मेंबर्स हैं वो कस्टम के अकॉर्डिंग, कस्टम क्या है कि कोई भी डेड बॉडी होती है उसको बेड पे नहीं रखते, उसको नीचे ग्राउंड पे लिटाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कस्टम उनके फैमिली मेंबर्स भी क्या करते हैं, उसकी डेड बॉडी को नीचे बेड से नीचे लिटाते हैं ग्राउंड पे, और उसकी बॉडी पे एक रेड श्राउड मींस कफन वो कवर कर देते हैं। और कुछ टाइम तो मोर्निंग करते हैं, मोर्निंग मींस टू एक्सप्रेस सोरो ऑन समवन्स डेथ। अब वो मोर्निंग करने के बाद उसकी ग्रैंडमदर के फ्यूनरल के लिए, फ्यूनरल मींस दाह संस्कार, उसके अरेंजमेंट के लिए बाहर चले जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद शाम के टाइम जब वो क्रूड स्ट्रक्चर क्या होता है, अर्थी, वो क्रूड स्ट्रक्चर लेके जब वो ग्रैंडमदर के रूम में आते हैं, तो रूम से पहले ही बरामदे में वो क्या देखते हैं, क्योंकि ये सनसेट का सीन है और बरामदे में थोड़ी बहुत धूप आ रही है, और उसके रूम से पहले उसके रूम में जहां पे जो ग्रैंडमदर है वो डेड पड़ी हुई है, हर जगह स्पैरोज है वो बैठी हुई है और वहां पे कोई भी चर्पिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि द ओल्ड वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड, तो जो स्पैरोज है वो क्या करती है, उनकी कोई भी चर्पिंग नहीं आ रही है, वो सारी साइलेंट है, क्योंकि ये उनका तरीका है उसी ग्रैंडमदर की डेथ पे सोरो एक्सप्रेस करने का। मतलब जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, उनको भी पता है कि आज क्या हो रहा है। अब वो सारे वहीं पे रुक जाते हैं जो क्रूड स्ट्रक्चर को लेके आते हैं, वो उनको उसकी जो मदर है या फिर फैमिली मेंबर्स उनको ऐसा लगता है कि ये बर्ड्स यहाँ पे क्यों आई है, शायद ब्रेड के लिए आई है। तो नैटर की जो मदर है वो अंदर जाती है, ब्रेड लेके आती है और उनके सामने बिल्कुल उसी तरीके से डालती है जैसे कि उसकी ग्रैंडमदर डालती थी, लेकिन कोई भी स्पैरो उन ब्रेड को नोटिस नहीं करती। और जब वो उस अपनी ग्रैंडमदर की डेड बॉडी मींस कॉर्प्स को उठा ले जाते हैं, तो उस टाइम पे सारे स्पैरोज है वो साइलेंटली उड़ जाती है बिना किसी चर्पिंग के। और नेक्स्ट डे जो स्वीपर है वो उन ब्रेड के पीसेस को डस्टबिन में डाल देता है, मीन्स यहाँ पे जो स्पैरोज हैं उन्होंने बिना चर्पिंग किए, ब्रेड को नोटिस किए बिना क्या किया है, ग्रैंडमदर की डेथ पे सोरो एक्सप्रेस किया है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक
आपको ये समरी क्लियर है, समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.